हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर हमने आईटीआई के शीट मेटल वर्कर ट्रेड के पुराने क्वेश्चन पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज का यहाँ पे कलेक्शन किया है। ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न हमने पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि हमने किसी बुक से या फिर किसी अन्य क्वेश्चन बैंक से लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सुरक्षा संकेत क्या इंगित करता है? तो इस तरह का जो सुरक्षा संकेत होता है, प्लस का जो निशान होता है, वह फर्स्ट एड का निशान है। तो यह जो संकेत है, ये एक सूचनात्मक संकेत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ये एक सूचना संकेत है। इसके अलावा जितने भी सिंबल होते हैं जो कि इस तरह से जो है वर्गाकार या फिर आयत की आकृति में होते हैं, वो सभी सूचना देने वाले चिन्ह होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग के अंदर इस तरह से एग्जिट करके जो है एक वर्ड लिखा होता है, वो भी एक सूचनात्मक संकेत है, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। दूसरा प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको डाई दिखाई दे रही है, यह क्या है, इसका हैंडल है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये डाई स्टॉक का हैंडल है। इसका इस्तेमाल पाइपों पर बाहरी चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पाइप जोड़ का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे जो पाइप जोड़ आप देख रहे हैं, ये एक तरह का ब्रांच जोड़ है, क्योंकि इसमें पेड़ की जो टहनी है, पेड़ की टहनी इस तरह से जो है 45 एंगल में जो है पौधे से निकलती है। तो इस पर भी जो जोड़ है वो इस तरह से जो है 45 एंगल में निकल रहा है। तो ये जो जोड़ है ये किस प्रकार का है? ये एक ब्रांच जोड़ है, यानी कि एक शाखा जोड़ है। चौथा प्रश्न है, पाइप जोड़ का कौन सा प्रकार है? तो यह जो पाइप का जोड़ है, ये एक टी ज्वाइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पाइप है वो 90 डिग्री में जोड़ा जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये एक टी जोड़ है। पांचवा प्रश्न है, पाइप जोड़ का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे जो पाइप जोड़ा जा रहा है, इसमें आप ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों जो पाइप हैं उनका व्यास अलग अलग है। तो ये एक असमान व्यास का टी जोड़ है, जो कि 90 डिग्री के कोण पर जोड़ा जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, विकास विधि का प्रकार क्या है? तो यह जो कंस्ट्रक्शन की विधि है जिसमें इस तरह का बॉक्स बनाया जा रहा है, यह एक समानांतर रेखा विधि है। इसमें पैरेलल लाइन बना करके डिजाइन बनाए गए हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें समानांतर रेखा बना करके जो है मार्किंग की गई है। सातवां प्रश्न है, रिवेटिंग टूल का नाम क्या है? तो यह जो रिवेटिंग टूल है, जिसका इस्तेमाल हम रिवेट लगाने के लिए करते हैं, यह एक न्यूमेटिक हाथ उपकरण स्वचालित फीड के साथ रिवेटिंग टूल है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूमेटिक, यानी कि ये हवा के प्रेशर से चलने वाला एक रिवेटिंग टूल है। आठवां प्रश्न है, रिवेटिंग टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो रिवेटिंग टूल दिखाई दे रहा है, ये एक लीवर है टूल है, क्योंकि इसके अंदर जो है बड़े बड़े हैंडल दिए गए हैं और ये जो हैंडल है इन्हें हम लीवर कहते हैं। नौवां प्रश्न है, स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये एक मानक स्क्रू ड्राइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ई बुक आईटीआई की शीट मेटल वर्कर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर और निमी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। अगर कोई भी आईटीआई का स्टूडेंट अपनी प्रिपेरेशन इस ई बुक से करता है, तो वो 100% अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। दसवां प्रश्न है, छेनी, रेती, स्क्राइबर और कुल्हाड़ी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनको बनाने के लिए हम उच्च कार्बन स्टील, यानी कि हाई कार्बन स्टील धातु का यूज करते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, रासायनिक कंटेनरों के लिए नरम शोल्डरिंग और कोटिंग सामग्री तैयार करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो रासायनिक कंटेनर होते हैं, जिनके अंदर केमिकल रखे होते हैं, उनकी शोल्डरिंग के लिए या फिर कोटिंग के लिए हम लेड धातु का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी रसायन का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। बारहवां प्रश्न है, वृत्तों और पाइपों पर किनारों को मोड़ने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो पाइपों के किनारे मोड़ने के लिए ईंट की जो चादर होती है, जब हम उसको गोल बनाते हैं, जैसे टंकी हम बनाते हैं, तो उसके किनारों को बाहरी तरफ या अंदर की तरफ मोड़ने के लिए हम बेंच टर्निंग मशीन का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तेरहवां प्रश्न है, शीट मेटल ऑब्जेक्ट पर पैटर्न विकसित करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो शीट मेटल का जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो शीट है, चादर है, उस पर हमें पैटर्न बनाने हैं, तो उसके लिए हम रेडियल लाइन डेवलपमेंट विधि का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, स्नेहन, तेल और ग्रीस कोटिंग द्वारा सतह की सुरक्षा विधि का प्रकार क्या है? तो जब भी किसी सरफेस के ऊपर हम तेल, ग्रीस या फिर इस तरह का कोई मटेरियल लगाते हैं जो कि टेम्परेरी होता है, जिससे उसको जंग लगने से बचाया जाता है, वह जो उपचार होता है वह एक अस्थायी उपचार है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। पंद्रह प्रश्न है, खाद्य उद्योग में कोटिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी खाने पीने के जो डिब्बे होते हैं, जिनमें खाने की वस्तुएं पैक होती हैं, तो वह जो डिब्बे होते हैं वह किस मटेरियल के होते हैं? वो होते हैं टीन के। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हथौड़े के प्रहार किए जाने वाले हिस्से का नाम क्या है? तो जो हैमर होता है, जैसे आपने देखा होगा हैमर कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे बीच में आई होल होता है जिसमें हैंडल लगता है। तो हथौड़े का जो ये वाला पार्ट होता है जो कि दूसरी वस्तुओं के ऊपर चोट करता है, तो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इस सरफेस को हम कहते हैं फेस,
जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 17वां प्रश्न है, शीट मेटल को काटते समय स्निप के ब्लेड के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो स्निप का जो ब्लेड होगा वह 20 डिग्री से कम एंगल तक खुला होना चाहिए, तभी हम शीट को अच्छे से काट सकते हैं। 18वां प्रश्न है, किस प्रकार के जोड़ में जोड़ी जाने वाली चादरों को एक हुक के रूप में फंसाया जाता है तथा ग्रूवर का उपयोग करके उन्हें बंद किया जाता है? तो जो लॉक ग्रूव्ड जोड़ होते हैं वहां पे हम ऐसा करते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, शंकु और पिरामिड या उनके फ्रस्टम के लिए किस प्रकार के विकास पद्धति का पालन किया जाता है? तो शंकु पिरामिड या उनके फ्रस्टम के बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए रेडियल लाइन विधि का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पे सही है। 20वां प्रश्न है, टेम्पलेट का उपयोग क्या है? तो जो टेम्पलेट होती है वो हमारे काम को आसान करती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये पुनरावृत्ति मापने और अंकन से बचाने के लिए, यानी कि हमें उस शीट को दोबारा से मापना नहीं पड़ता है और उसमें मार्किंग भी नहीं करनी पड़ती है, तो ये टेम्पलेट से आसान हो जाता है। 21वां प्रश्न है, ब्लो लैंप में प्रयोग किए जाने वाला ईंधन है? तो ब्लो लैंप के अंदर मिट्टी के तेल का यूज होता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 22वां प्रश्न है, सामान्य शोल्डर के संघटक में टीन और लेड या फिर जिसे हम सीसा भी कहते हैं, उसका अनुपात क्या है? तो नॉर्मल जो शोल्डर होता है उसमें टीन और लेड का जो अनुपात है वो होता है 50-50, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 23वां प्रश्न है, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान गर्भ जॉब को संभालने के लिए किस उपकरण का यूज किया होता है? तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं संडासी का, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 24वां प्रश्न है, रासायनिक सफाई प्रक्रिया कौन सी है? तो जब भी हम किसी सरफेस को साफ करते हैं केमिकल से, उसे रासायनिक सफाई प्रक्रिया कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विलायक द्वारा धोना, जब हम उसको केमिकल से धोते हैं तो वह सफाई करने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।